नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 24 दिसंबर। सबसे पहले वेबिनार अपडेट की बात करेंगे तो जनवरी में हम आपके लिए दो वेबिनार शेड्यूल कर रहे हैं। एक है कॉटन कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जहाँ पे हम टेक्निकल फंडामेंटल और देखेंगे ऐसे क्या पॉइंट है जो 2022 के लिए कॉटन कॉम्प्लेक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कमोडिटी रेशियो और कमोडिटी सीजनलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जिस पे हमें ध्यान देना है कि 2022 के जनवरी महीना रेशियो के हिसाब से, सीजनलिटी के हिसाब से कौन सी कमोडिटी है जो अच्छे रहेंगे। इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कॉटन इन न्यूज़ की बात करें कि आज की हेडलाइंस क्या क्या रही है, तो इसके अंदर हमने देखा आइस कॉटन में कंटिन्यू तेजी बनी है। तीसरा वीक है जहाँ पे हम स्ट्रांग डिमांड की वजह से, नेचुरल फाइबर की स्ट्रांग डिमांड की वजह से प्राइसेस में गेन देखा, बट अपसाइड थोड़ा सा कंसर्न भी दिख रहा है कोरोना वर्जन को, कोविड के वर्जन को लेकर। बट अभी भी जो कंसर्न्स है वो थोड़े से इज आउट हुए जो प्राइसेस को सपोर्ट करें। इनफैक्ट यूएसडी का एक रिपोर्ट आया हुआ है वीकली एक्सपोर्ट डेटा, जहाँ पे 15% का ड्रॉप दिखा रहा है जो थोड़ा सा कंसर्निंग है। नो डाउट क्रिसमस हॉलीडे बन चुका है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा कंसर्न्स बने हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस एक सीमित दायरे में, क्योंकि हॉलीडे मूड बना हुआ है। वरीसम थोड़ा बहुत है इसलिए क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स है उसमें हमने ड्रॉप देखा है, खास करके चाइना, वियतनाम, यूएस के साइड से, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा अनसर्टनिटी बनी हुई है, बट 110 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहीं कॉटन यार्न के प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा कि डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रही है, वेदर कंडीशन भी थोड़ी सी क्रिटिकल है। इसी को देखते हुए हमने कॉटन दिसंबर वायदे के अंदर कल प्राइजेस को एक अच्छा खासा गेन आते हुए देखा है, करीबन 120 रुपये का, और प्राइजेस 32400 का लेवल छूता हुआ दिखा। हमें उम्मीद थी थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाए, बट प्राइसेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नई तेजी के लिए 32500 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। कपास के लिए भी 1870 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है नई तेजी के लिए, अदरवाइज मार्केट एक रेंज में रहेगा। कॉटन सीड ऑयल के अंदर कल फिर से हमने 2% की तेजी आते हुए देखी, जिस से उम्मीद थी कि 2800 का लेवल अगर कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो 2880 से लेकर 2940 तक का लेवल दिखा सकता है। आज भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी, जिस ढंग से हमने तेल के भाव में तेजी बनते हुए देखी है, ये कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल के को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। आइस कॉटन की अगर हम बात करें तो 9.5 के करीब हमने पाव को चलते हुए देखा है, कहीं ना कहीं हॉलीडे मोड जरूर है बट प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट बन रहा है। कोरोना का जो कंसर्न है थोड़ा कम है जिसके चलते ओवरऑल स्ट्रेंथ पॉजिटिव रही है। ओवरऑल ट्रेंड कॉटन, कपास, कॉटन सीड ऑयल के, आइस कॉटन और चाइनीज कॉटन की बात करें तो सभी में ट्रेंड टेक्निकली पॉजिटिव दिखा रहा है। कल हमने जो शॉर्ट कवरिंग देखी है कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल के में, ये कंटिन्यू रहेगी क्योंकि अभी भी हमने देखे कुछ रेनफॉल की वजह से डैमेजेस रिपोर्ट हुई है, जिसकी वजह से सेंटीमेंट पॉजिटिव अराइवल्स उतने ह्यूज नहीं है जितने एक्सपेक्टेड थे, जिसके चलते आज एक रेन बाउंड एक्टिविटी रहेगी कपास और कॉटन में, जबकि कॉटन सीड ऑयल के अंदर 2800 के ऊपर अच्छी खासी तेजी बनी हुई रहेगी। तो ओवरऑल आज का सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। चार्टिकली अगर हम देखें तो कॉटन सीड ऑयल के 2870 का लेवल अगर ब्रिज कर जाता है तो कहीं ना कहीं एक नई तेजी के लिए मार्केट आगाज करेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 2770 के ऊपर जब तक मेंटेन है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो आज के लिए भी लेके चलिए 2870 से लेके 2940 के टारगेट के लिए। वहीं कॉटन में भी हमने एक सर्कल बनते हुए दिखा है, 32500 का लेवल तोड़कर वीकली बेस पे होल्ड कर जाए तो 32950 का टारगेट देख सकते हैं। थोड़ा सा ओवरबॉट है काउंटर, जिसके चलते हमें लग रहा था कि 31700-800 तक का एक पुलबैक दिखा दे, बट कोई भी पुलबैक मिले लेके चलिए, गोल्डन क्रॉसओवर का सिनेरियो बन रहा है जो प्राइजेस को सपोर्ट रखेगा। आइस कॉटन की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के लिए तैयार है मार्केट, 110 सेंट के ऊपर निकलने पे 114.50 तक का लेवल दिखा सकता है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रहा है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़े भी पुलबैक पे हम लेके काम कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।